देखिए, हम लोगों की जो पार्टी है वो खुली किताब है, कुछ भी सीक्रेट नहीं है, सब कुछ सामने है। पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक हो रही है, जाहिर है कि हम देश की जो मौजूदा राजनीतिक स्थिति है उसका हम मूल्यांकन करेंगे और हमारे लिए, देश की जनता के लिए, पार्टी के लिए, देश की जनता के लिए, हमारे राज्य की जनता के लिए क्या मुफीद होगा, ये हम रणनीति तो तय करेंगे ही। तो इसमें कुछ भी नहीं है और किसी से कोई डर भय की बात नहीं है। हम लोग जो भी कर रहे हैं बहुत पहले से हम लोगों का सारा चीज ओपन है। देखिए, हम लोगों ने कोई व्यक्ति की बात नहीं की है, वसूल की एक बात की है। अब अपने से आप लोग चला रहे हैं किसी किसी का, तो उसमें हम लोगों का तो कोई दखल है नहीं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने या शरद यादव जी ने कभी ये किसी व्यक्ति की बात नहीं करी है। हाँ, एक जरूर बात हम लोगों ने की है, सिद्धांत की बात की है हम लोगों ने कि भाई ये देश जो है बहुधर्मी है, बहुभाषी है, बहुजातीय है। यहाँ ऐसा आदमी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होना चाहिए जो सबको मिला जुला करके ले चले। एक बग्घा आदमी नहीं होना चाहिए, समन्वयकारी प्रवृत्ति का आदमी होना चाहिए, किसी को छांट करके चलने वाला नहीं होना चाहिए। ये हमारा देश जो है एक सेकुलर कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक सोशलिस्ट पैटर्न की कल्पना है। नीति निर्देशक तत्वों में भी ये शामिल है। तो उसका क्या मतलब है कि जो जो कमजोर लोग हैं समाज के, उन पर फोकस करना होगा, जो पिछड़े राज्य हैं उनके दुख दर्द को समझना होगा, उनको तरजीह देने वाला आदमी होना चाहिए, एक डेमोक्रेट होना चाहिए, सेकुलर जिसका क्रेडेंशियल होना चाहिए। तो ये सारी बातें हमारे संविधान में भी है और हमारी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, इसलिए इसी तरह का हम लोगों ने एक सिद्धांत रखा। अभी एक प्लेटफॉर्म एनडीए का है, एनडीए के हम लोग हैं और भी जो एनडीए के दल हैं वो भी हैं। तो अगर पार्टी तय करेगी, अंदर सब पार्टियों में तो विचार विमर्श चल रहा है, स्थिति का आकलन हो रहा है, लेकिन जब हमारे एनडीए के प्लेटफॉर्म पर बात आएगी तो हम लोग उसको तय करेंगे। अब रही बात की जनता, तो जनता भी चाहती है कि भाई उसको मौका मिलना चाहिए कि भवन इधर से कौन है, उधर से कौन है, किसका क्या इतिहास भूगोल है, वो सब परखेगी, जानेगी, उसको समय मिलना चाहिए। हम लोग यही जानते हैं कि जब हम लोगों की बैठक हो रही है तो हम लोग उसका आकलन करेंगे, आर्थिक स्थिति का भी, राजनीतिक स्थिति का भी, चुनाव सामने है उसका भी हम लोग आकलन करेंगे, उसकी भी हम लोग रणनीति तो बनाएंगे ही।